चिट्ठी तो हमें लिख लिख नहीं मेरे यहाँ नहीं आया। अरे यहाँ सुन, यहाँ पर रहवे नहीं गए तो तुम्हारे के पहुँचने में तुमको आने में कितना टाइम लगा? तुम्हारे पास कितना टाइम लगा? डिपार्टमेंट को चिट्ठी देंगे, तुमको आने में लग गया एक सप्ताह, पंद्रह कल आप सर बोले 15 दिन से। तुम्हारा नंबर है तो पता कीजिएगा ना सर, पिटाई होगा तुम्हारा, समझ जो करना कर दीजिए। कल शाम में बात तो आज हम आ जाए, इस तरीके से तुम्हारा लैंग्वेज तुम्हारा ठीक नहीं है, आपका ठीक है। ये वीडियो जमुई जिला के खैरा प्रखंड के मांगो बंदर में दो पदाधिकारियों के बीच जमुई विधायक श्रेयसी सिंह की मौजूदगी में जमकर हुई तू तू मैं की है। दरअसल विधायक श्रेयसी सिंह के साथ जल जमाव का निरीक्षण करने गए ये दोनों पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए और दोनों के बीच पहले जमकर बहस हुई और फिर विधायक के सामने ही दोनों के बीच तू तू मैं तक बात पहुंच गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक श्रेयसी सिंह भी हैरान और परेशान दिख रही हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। डिपार्टमेंट वहाँ से आ जाता मैम, तो हम लोग पूरा प्रॉपर आके देख लेते। अरे चिट्ठी तो हमें लिख लिख नहीं मेरे यहाँ नहीं आया। अरे यहाँ सुन, यहाँ पर रहवे नहीं गए तो तुम्हारे के पहुँचने में तुमको आने में कितना टाइम लगा? तुम्हारे पास कितना टाइम लगा? डिपार्टमेंट को चिट्ठी देंगे, तुमको आने में लग गया एक सप्ताह, पंद्रह कल आप सर बोले 15 दिन से। तुम्हारा नंबर है तो पता कीजिएगा ना सर, पिटाई होगा तुम्हारा, समझ जो करना कर दीजिए। कल शाम में बात तो आज हम आ जाए, इस तरीके से तुम्हारा लैंग्वेज तुम्हारा ठीक नहीं है, आपका ठीक है। आप मैडम यहाँ पर बैठी है, देखिए सर भी हमें बाहर आपके सामने संसद में यहाँ पर है। आप ये बताओ कि कैसे इसका विकल्प सो रास्ता निकालो, कैसे कल जो पूरा देखेंगे सर्वे करेंगे उसके बाद। नदी का कहना है कि घर का पानी हम नहीं निकालते, चोर का पानी निकालते मैम। हम लोग ड्रेनेज डिवीजन का जो चोर इलाका होता है वहाँ से प्रॉपर सर्वे करते हैं, कहीं काफी कहा जाता है लोलैंड है, तो लोलैंड तो खुद रहता है, वहाँ से सर्वे करके सर इरिगेशन वाला मामला होगा। ये किसका होगा? अगर कैनाल है सर तो इरिगेशन का होगा, इरिगेशन भी कर सकता है ना। तो रास्ता तुम बताओ ना कि कौन कर सकता है। इसके नाम से चिट्ठी निकलवाइए, यही करेगा मैडम सरकार का आदेश का पालन इंजीनियर पूरा इस एरिया का सर्वेक्षण कर जहाँ जहाँ निकासी है फिर रास्ता निकाला जाएगा, यही ना होगा। चलिए। दरअसल विधायक श्रेयसी सिंह बुधवार को खैरा प्रखंड के मांगो बंदर में जल जमाव का निरीक्षण करने पहुंची थी। श्रेयसी सिंह के निर्देश पर जमुई के उप विकास आयुक्त सुमित कुमार और जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता आदित्य कुमार भी वहां पहुंचे। जल जमाव की समस्या कैसे दूर हो इसको लेकर दोनों पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर रही थी। इससे पहले विधायक ने पूरे इलाके में जल जमाव का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और फिर समस्या का समाधान कैसे हो ताकि क्षेत्र के लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। अधिकारियों के साथ विमर्श करने एक स्थान पर खड़ी हुई इसी दौरान दोनों अधिकारियों के बीच तू तू मैं कर देने वाली ये हैरान घटना हुई। विधायक ने तुरंत हस्तक्षेप किया और जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता आदित्य कुमार को कहा कि वरीय अधिकारी से कैसे बात की जाती है पता नहीं है क्या, लेकिन तब तक दोनों के बीच काफ़ी हद तक जुबानी जंग हो चुकी थी और ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर ज्यादातर फ्लड की समस्या आती नहीं है, कुछ इसी तरह का पैन जब ओवरफ्लो होता है तब फ्लड का समस्या आता है हम लोगों के सामने। ये एक नाला का फ्लडिंग, एक सिंचाई के नाले का फ्लडिंग हो रहा है जो जल जमाव हो रहा है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट जब ऑलरेडी टैग्ड है भागलपुर में, मैं अगर आज चाहूंगी तो मैं यहाँ से भागलपुर 3 घंटे में 3.5 घंटे में पहुंच सकती हूँ। आज इतनी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन एक अधिकारी को DDC के आदेश के बाद एक सप्ताह लग जाता है यहाँ आगे निरीक्षण करने। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस अधिकारी किस तरह से सुस्ती से काम कर रहे हैं, और खास तौर से ये जो जिला स्तर पे बैठे हुए अधिकारी हैं ये लोग कितनी
ये सुनने में आ रहा था कि कुछ इंक्रोचमेंट की भी समस्या है जिसके कारण ये वाटर लॉगिंग होता है। अब देखिए जो हम लोग अब यहाँ आके सर्वे किए हैं तो सभी जगहों का सर्वे हुआ है, कितना बड़ा नाला बनना है, कहाँ पे इंक्रोचमेंट है, नहीं इंक्रोचमेंट, ये सब पूरा जो टीम जो टेक्निकल टीम होती है वो सर्वे करे कि कभी इसकी सच्चाई सामने आ पाएगी। तो एक बार टेक्निकल टीम, मुझे अब यकीन है कि आप लोग के सबके सहयोग के वजह से टेक्निकल टीम यहाँ जल्द आके सर्वे करेगी और उस टीम के बाद जो निर्णय लिया जाए उसमें पता चलेगा। डिपार्टमेंट वहाँ से आ जाता मैम, तो हम लोग पूरा प्रॉपर आके देख लेते। अरे चिट्ठी तो हम लिखी नहीं, मेरे यहाँ नहीं आया। अरे यार तुम यहाँ पर रहवे नहीं गए तो तुम्हारे के पहुँचने में तुमको आने में कितना टाइम लगा, तुम्हारे पास कितना टाइम लगा, डिपार्टमेंट को चिट्ठी देंगे तुमको आने में लग गया एक सप्ताह, कल आप सर बोले 15 दिन से। तुम्हारा नंबर है तो पता कीजिएगा ना सर, पिटाई होगा तुम्हारा समझ जो करना कर दीजिए। अबे ये एक सप्ताह हम बोले कल शाम में बात तो आज हम आ जाए इस तरीके से तुम्हारा लैंग्वेज तुम्हारा ठीक नहीं है, आपका ठीक है। आप मैडम यहाँ पर बैठी है, देखिए सर भी हमें बाहर आपके सामने संसद में यहाँ पर है, आप ये बताओ कि कैसे इसका विकल्प है, सो रास्ता निकालो कैसे। कल जब पूरा देखेंगे सर्वे करेंगे उसके बाद नदी का कहना है कि घर का पानी हम नहीं निकालते, चोर का पानी निकालते हैं। मैम हम लोग ड्रेनेज डिवीजन का जो चोर इलाका होता है वहाँ से प्रॉपर सर्वे करते हैं, कभी काफी कहा जाकर के लोलैंड है, तो लोलैंड तो खुद रहता है, वहाँ से सर्वे करके सर इरिगेशन वाला मामला होगा, ये किसका होगा, अगर कैनाल है सर तो इरिगेशन का होगा, इरिगेशन भी कर सकता है ना, तो रास्ता तुम बताओ ना कि कौन कर सकता है। इसके नाम से कुछ निकलवाइए यही करेगा मैडम, सरकार का आदेश का पालन। जमुई से मोहम्मद अंजुम आलम की रिपोर्ट।